टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सबसे पहले आप सभी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। पूरे भारत में आज ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा शहर में भी ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के इस मौके पर लोगों ने नमाज अदा की और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। हालांकि कोरोना की वजह से जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसके अनुसार ही लोगों ने ईद का त्यौहार मनाया है। मुंब्रा शहर में हालांकि इस दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त भी लगा रहा ताकि शहर में किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, लेकिन वहीं मुंब्रा शहर के लोगों ने भी आज ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही सादगी और भाईचारे के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ईद उल फित्र मुंब्रा के अंदर बहुत सादगी से और हुकूमत के गाइडलाइन के हिसाब से मुसलमानों ने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके मास्क लगा करके ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की और पूरे मुंब्रा के अंदर ईद उल फित्र की नमाज अच्छे से अदा की गई। किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, सब लोगों ने एहतियात किया कोरोना का और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बीमारी भी दूर होगी और कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा के अंदर जो है हालात बड़े साजगार रहे। जिस तरह हुकूमत ने महाराष्ट्र हुकूमत ने हमसे कहा था कि पूरे गाइडलाइन पर अमल किया जाए, हमने उसी तरह गाइडलाइन पर अमल किया। लोगों ने बाकायदा जो है नमाज़ें जो है अपने घरों पर अदा की, जुम्मा की नमाज़ और ईदेन जो है आज की नमाज जो है घरों पर अदा की। हमने भी जो है तमाम लोगों को यही कहा था कि आप नमाज़ें घरों पर अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो है खाली के खाली रही, तमाम लोगों ने नमाज मस्जिद में अदा घरों पर अदा करी और मस्जिद में सिर्फ हम ट्रस्टियों ने, इमाम ने और मौज़िन ने, हम लोगों ने सिर्फ नमाज अदा करी और अमन अमान रहा। और हमने जो है कोरोना वायरस के लिए ख़ासकर इमाम साहब ने, हम लोगों ने दुआएँ की है कि अल्लाह करे हमारे यहाँ से जो है इस कोरोना वायरस का जो है अज़ाब जो है इस वायरस की इस बीमारी को इस मुल्क से जो है अल्लाह दफ़ा फरमा देगा।